चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा के निर्देशन में पुलिस और आम जनमानस का व्यवहार एक परिवार की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है। चित्रकूट के अंतर्गत थाना मऊ तहसील मऊ में आज मऊ थाना प्रभारी श्याम प्रताप पटेल जी के निरीक्षण में वॉलेंटियर की मीटिंग की गई, जिसमें समाज के सम्मानित समाज सेवक जिला पंचायत सदस्य पंकज जी और रशियन आश्रम के संचालक युवा समाज सेवी इंद्रेश त्रिपाठी जी की तथा पत्रकार बंधु मीडिया कर्मी और कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। साथ में मऊ तहसील के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले कुछ सम्मानित व्यक्ति भी मीटिंग का हिस्सा बनकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें थाना प्रभारी यशो श्याम प्रताप पटेल द्वारा पुलिस और आम नागरिकों के तालमेल को अच्छे रखने और निडर होकर समाज में हो रहे अन्याय के विषय में पुलिस प्रशासन से अपनी समस्या को रख सके और बता सके इस विषय में जागरूक किया। सदस्य पंचायत पंकज जी द्वारा ये भी ये दर्शाया गया कि समाज में जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, कोई भी पत्रकार या मीडिया कर्मी पुलिस प्रशासन पहले उसकी छानबीन कर ले, ताकि किसी निर अपराध को बिना किए हुए अपराध की सजा भुगतना ना पड़े। समय में से थोड़ा समय हमारे लिए, हम सभी के लिए दें, जिससे हम लोग आपसी विचार विमर्श कर सकें। चुनाव वैसे तो दूर है, लेकिन उसकी सरगर्मी अच्छे से शुरू हो चुकी है। उसमें तमाम कार्यवाही, तमाम जानकारियां जुटाने का निर्देश हम लोगों को हो चुका है। उस क्रम में हम लोग आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके जानकारियां शेयर करेंगे। पुलिस की तमाम कार्रवाइयों में ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं जो कि एक कुछ कुछ गिने चुने लोगों पर आधारित होने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। धर्मगत, संप्रदायगत किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, तो चुनावी व्यवस्था का प्रभावी भी रहे। चुनाव प्रक्रिया में लाभ नाते ये मीटिंग अभी बुलाई गई है, जल्दी फिर बुलाई। आज तक ये सामंजस्य और ये एकता की मिसाल जो चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे पत्रकार भाई हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे प्रधान बंधु हो या अन्य कोई लोग हो, सभी के बीच में पहली बार मऊ थाना कोतवाली प्रभारी में जो है ने जो है एक एकता की मिसाल जो है जगाई है। और इसी का कारण शायद यह है कि क्षेत्र में आज घटनाएं भी कम हो रही हैं और एकता और सौहार्द का ये विषय बना हुआ है और चर्चा है। अब ये तो अलग सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, उसके लिए ना पुलिस का ही दोष है और ना लोगों का ही दोष है, ये संयोग की बात होती है, कहीं होनी या ना होनी ये तो होता ही रहता है। लेकिन आज जो हमारे मऊ थाना अंतर्गत शांति और सद्भावना का ये प्रतीक बना हुआ है मऊ थाना हमारा, उसकी देन है माननीय थाना कोतवाली प्रभारी श्री संत शरण जी का जो है, और यहाँ के समस्त स्टाफ